हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एक्सरसाइज 2 पढ़ रहे थे और 2 में हम लोग अभी क्या क्या पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल को कैसे समझते हैं, पॉलिनोमियल को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़े, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं कि कैसे कोई ग्राफ से जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़े हैं कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, क्वाड्रेटिक जब भी मैं पढ़ा रहा था पिछले वाले वीडियो में, क्वाड्रेटिक में क्या कर रहे थे हम लोग, जब क्वाड्रेटिक स्प्लिटर्स निकाल रहे थे तो उसमें हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे थे तो कुछ ऐसा लास्ट में रिजल्ट आ रहा कि जब हम लोग फैक्टराइज कर रहे थे तो हम लोग कुछ ऐसा इस रिजल्ट पहुंच रहे थे, x माइनस 1, एक्स माइनस 2, ऐसे कुछ आ रहा था। मतलब कोई एक जो हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको जब हम लोग फैक्टराइज कर रहे थे तो हम लोग लास्ट में कुछ इस तरीके के रिजल्ट पे पहुंच रहे थे जहां पे केवल और केवल 2 टर्म बच रहा था, ठीक है। कुछ ऐसा ही था, x माइनस 2 और x, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कुछ ऐसे ही आपको मिल रहा था, 2 टर्म मिल रहे थे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो याद रखिए, जब आपको क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन करना था तो 2 टर्म मिल रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब जब क्यूबिक करेंगे तब तो 3 टर्म आ जाएगा। लेट से यहाँ पे कोई और एक टर्म आ गया, x माइनस 3 आ गया, यहाँ पे मान लीजिए x माइनस 4 आ गया, कुछ ऐसा आ गया, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे और इसकी सिस्टम से हम रिलेशनशिप डिराइव करेंगे, किसमें, जीरोज और कोएफिशिएंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हर बार आता है, ठीक है। एक आधा ऐसा कोई साल हो गया होगा जहाँ पे ये नहीं पूछा है, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उतना ही लगन से पढ़िएगा। किताबों में केवल आपको फॉर्मूला रटा दिया जाता है, मैं आपको पूरा डेरिवेशन सिखा रहा हूँ कैसे करना है इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो देखिए, x माइनस, क्वाड्रेटिक में क्या था, केवल 2 फैक्टर आते, तो x माइनस 1, 2 कुछ भी कर दीजिए आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे a ले लेता हूँ, यहाँ पे b ले लेता हूँ, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने क्या मान लिया, fx इज, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है। यहां पर अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा रूट्स हैं, जीरोज हैं। यहां आप लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा आर रूट्स और जीरोज, इसको जीरोज बोलिए अभी के लिए, ठीक है, इसको जीरोज बोलिए। अल्फा बीटा क्या है, रूट है। अब देखिए, इसके आगे मैं एक कॉन्स्टेंट के लगा रहा हूं, उम्मीद करता हूँ इससे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। k की वैल्यू कुछ भी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिए, उसका कोई विशेष महत्व नहीं आता है, ठीक है। आपको रूट्स निकालेंगे तो वो अल्टीमेटली रूट्स निकालते समय क्या करते हैं ना, हम लोग ये फंक्शन को 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो ये k यहाँ पर इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता है, k इधर जाता है तो 0/k हो जाता है, 0/k का मतलब क्या होता है, 0, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट k रख लिया है, k की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 टर्म है, 2 टर्म है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर k कॉन्स्टेंट आएगा। देखिए तरीका क्या होता है ना, पहला एक एलिमेंट लीजिए, किसी भी एक टर्म में से कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, इस टर्म में से मान लीजिए मैंने एक एक्स एलिमेंट ले लिया, इसका इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स माइनस बीटा में। फिर क्या करूंगा, अगले एलिमेंट लूंगा, अगला एलिमेंट क्या है, माइनस अल्फा है, केवल अल्फा मत लीजिएगा, साइन के साथ लेते हैं। उसके बाद क्या करूंगा, x माइनस बीटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं, k, k का k में मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस बीटा x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा x। ये अल्फा है, ये a नहीं है, इसको याद रखना, थोड़ा सा अंतर समझ में आना चाहिए ना a और अल्फा में, ठीक है। फिर क्या है, माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए, लाइक टर्म को एक साथ ले लीजिए, तो के हो गया एक्स स्क्वायर, लाइक टर्म है ना, ये देखिए यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो लाइक टर्म तो होंगी, माइनस माइनस दोनों तरफ है तो माइनस बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, मैंने रीअरेंज कर दिया, इसको इधर, एक्स बाहर निकल जाएगा, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो, ये जो फॉर्म आया हुआ है,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म था ना, मैंने यही बताया है पहले की वीडियोज में। तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे कंपेयर करूंगा, क्या करूंगा कंपेयर करूंगा। तो ध्यान से देखो, यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है, यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है, यहां पर एक कांस्टेंट है, यहां पर भी कांस्टेंट, इसका मतलब ये दोनों कंपेरेबल है, ठीक है ना। कंपेरेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होने के लिए दोनों का और पावर, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री या ऑर्डर बोल लीजिए उसको, ऑर्डर सेम होना चाहिए। कितने ऑर्डर का है ये, एक्स पावर टू मतलब सेकेंड ऑर्डर का है, एक्स पावर टू ये भी सेकेंड ऑर्डर का, मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी दो इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, आइए इसको इसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए, यहां पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, यहां पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, यहां पर ए है, यहां पर वन है ना, और बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर, अगर एक चीज और, एक चीज और यहां पर देखिए, इसके फॉर्म में मैं अगर लाना चाहूं तो इसको कैसे ला सकता हूं, यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह पर ए है और यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है, वन है। तो क्या कर सकता हूं मैं, यहां पर एक काम ये कर सकता हूं कि ए हटा सकता हूं, ए हटाऊंगा कैसे, कॉमन ले लूंगा, जब मैं ए बाहर निकालूंगा तो यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, प्लस बी बाई ए बच जाएगा, यहां पर एक्स प्लस सी बाई ए बच जाएगा, है ना। अब देखिए मजा आ जाएगा, देखिए यहां पर कोई कांस्टेंट था, यहां पर भी कोई एक कांस्टेंट है, और बाकी सारे इक्वेशंस का सिस्टम क्या है, सेम है। तो अब ये एकदम एग्जैक्ट कंपेरेबल है, ये दोनों एग्जैक्ट कंपेरेबल है, दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो क्या समझ में आएगा कि यहां पर तो वन है तो यहां पर भी वन है, उसको कंपेयर करने का चीज ही नहीं है। फिर यहां पर देखो, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ रहा है, माइनस सॉरी बी बाई ए, ये आ रहा है ना। देखो दोनों तरफ एक्स का कोफिशियंट को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए, यही तो मिलेगा। अब इसको थोड़ा और सिंपल बना लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस को उधर भेज दिया, ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन आया। इसको बोलते हैं क्या, सम ऑफ रूट्स, ये क्या है, अल्फा और बीटा का सम है, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो जब भी आपको बोलेगा सम ऑफ रूट्स निकालो तो हमेशा याद रखना सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड वॉट इज बी, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट है ना, और ए, ए किसका कोएफिशिएंट है, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ठीक है। और एक चीज और देख लो, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या आ रहा है, सी बाई ए, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, दोनों को कंपेयर कर लिया, तो यहां पर अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई हुआ है तो प्रोडक्ट बोल सकते हैं उसको, तो यहां पर इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो किताबों में वही लिखा रहता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर सी बाई ए, तो कैसे आ रहा है वो मैंने बता दिया है। तो हम लोग दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन को डिराइव कर लिए हैं, एक है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसको पढ़ते हैं सम ऑफ रूट्स, और एक निकाले हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसको पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। बी को क्या पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, ए को क्या पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी बोलता है वो, तो वो समझने का सेंस है, फिलहाल आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हम लोग रिलेशन डिराइव कर लिए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे ऑर्डर के रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं जहां तक चाहें।
फिलहाल आपके एग्जाम में केवल क्यूबिक तक आता है, तो केवल हम क्यूबिक तक बात करेंगे, ठीक है। तो क्यूबिक के लिए भी हम लोग क्या कह सकते हैं, एफ एक्स या पी एक्स ले लीजिए, आप लोग पी एक्स ले लीजिए ऐसे, क्योंकि किताब में मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि वो पी एक्स करके ही देता है। तो पी एक्स, पी एक्स बराबर क्या हो सकता है, एक्स माइनस अल्फा, इसको अल्फा ले लीजिए, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ठीक है, सही है। कैसे सही है, क्योंकि ये क्यूबिक है, क्यूबिक है तो तीन टर्म के प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कोई एक कांस्टेंट के लगा लिया, जैसे पिछले वाले में लगाया था वैसे ही लगा लिया, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो के एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, ये आपका एक तरीके से क्या है, जो पीछे कैलकुलेट किए वही तो है ना, देखो ना वहाँ पर क्या किए थे, वहाँ पर x माइनस अल्फा और x, या एक काम करते हैं इसको भी सॉल्व ही कर लेते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, x x माइनस गामा, फिर माइनस बीटा, x माइनस गामा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, x माइनस अल्फा ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स गामा, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स बीटा माइनस प्लस बीटा गामा, ठीक है। अब क्या करते हैं, लाइक टर्म को एक साथ निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बीटा गामा, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, x दोनों तरफ है बाहर निकाल लिया, माइनस दोनों तरफ है बाहर निकाल लिया, बचा क्या गामा प्लस बीटा, और तो कुछ किया नहीं। अब क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, अभी पूरा मल्टीप्लीकेशन टूटा नहीं ना है, तो पूरा तोड़ेंगे हम लोग k, अब इसका इसमें स्प्लिटिंग करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला एलिमेंट लेकर के पूरे में, फिर दूसरा एलिमेंट लेकर पूरे में, पहला एलिमेंट क्या है x, मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस बीटा गामा, ठीक है। उसके बाद माइनस अल्फा ले लो, ठीक है, ब्रैकेट का उतना वो नहीं, सेंस समझो, मिडिल ब्रैकेट और ये सब तो बचपन में सीखे ही हो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस बीटा एक्स प्लस बीटा गामा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक टर्म को एक साथ निकाल लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस गामा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, इसका आएगा बीटा गामा इंटू एक्स, इसको सॉल्व करो, माइनस सॉल्व करोगे तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कितना अल्फा गामा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लाइक टर्म को एक तरफ लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लाइक टर्म को एक तरफ कर लो, लाइक टर्म को एक तरफ करोगे तो यहां पे देखो एक्स क्यूब है, और कहीं एक्स क्यूब है क्या, नहीं है, तो एक्स क्यूब का मतलब केवल एक्स क्यूब ही लिखेंगे। फिर क्या है, एक्स पावर टू है, और एक्स पावर टू कहीं है क्या, एक्स पावर टू यहाँ है, तो इसको इसको एक साथ कंबाइन कर लो, ठीक है, माइनस माइनस दोनों तरफ है, माइनस बाहर निकाल लो, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा माइनस तो बाहर निकाल लिया प्लस बीटा प्लस गामा, क्या बाहर निकाल लिया है वो, एक्स स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया, देख लो, कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, वैसे उम्मीद करता हूँ इतना सिंपल कॉमन तो आता ही होगा, इसको इसको लेकर के मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये x है, यहाँ पर x है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा, ध्यान से देखो ये क्या है, अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पर क्या है बीटा गामा, तो मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स, ये लिख सकता हूँ, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ ले लिया। फिर लास्ट में क्या है,
लास्ट में केवल अब यही टर्म बच रहा है जो क्या है माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अब ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये मैंने पहले वीडियो में सबका बताया हुआ है, आप उसको वहां से रेफर कर सकते हो, पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहां पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, ए है। तो हम यहां से ए निकाल लेते हैं, तो यहां पे भी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 हो जाता है और यहां पे भी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 हो जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां से ए निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब बाई, इसको ऐसे सर्कल मत करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो यहां पे क्या होगा, ये बाहर निकाल लिया, फिर यहां क्या हो गया, b बाई ए लगाना पड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए लगाना पड़ जाएगा, x प्लस डी बाई ए लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये और ये एग्जैक्ट कंपेरेबल है। एग्जैक्ट कंपेरेबल कैसे होगा, क्योंकि x पावर 3 यहां पर भी है, x पावर 3 यहां पर भी है, इसके ऊपर कुछ है नहीं, इसके ऊपर यहां पर भी कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम ये एग्जैक्ट कंपेरेबल है, ठीक है, इसको और इसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन कैसे है, क्योंकि ये भी एफ एक्स के बराबर है, एफ एक्स क्या है, कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये भी एफ एक्स था, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था, ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे तो क्या कर देखेंगे हम कि के तो ए के बराबर हो गया है, तो उसको छोड़ दो। यहां पर देखो, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है और 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां पर क्या है, बी बाई ए, तो ये बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर होने चाहिए ना, तो बराबर हो गया। फिर क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। हम क्या कर रहे हैं, अब एक्स और एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, अच्छा एक चीज और, यहां से माइनस हटाओगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बराबर किसका है, सी बाई डी के, सी बाई डी के। लास्ट में देखो, लास्ट में जो है कांस्टेंट को कंपेयर कर लो, तो कांस्टेंट वहां पे क्या है, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में है, तो माइनस यहां पे लगा लो, डी बाई ए, डी बाई ए, माइनस यहां से हटाना चाहते हो हटा दो, जब हटाओगे तो उधर जाएगा तो माइनस लगाना पड़ जाएगा। तो ये आपके तीन जो है इक्वेशन आए हैं, ठीक है, और यही जो इक्वेशन आए हैं ये रिलेशन है एक्चुअली, ठीक है, ये रिलेशन है, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन व्हेन द पॉलिनोमियल इज ऑफ क्यूबिक, ओके, व्हेन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज गिवन, जब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया होगा तो आपको ये रिलेशन याद रखने होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सारे रूट्स का सम है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए, ठीक है। यहां पर क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, दो रूट्स का प्रोडक्ट हो रहा है एक टाइम पर और सबका ऐड हो रहा है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, सम ऑफ द रूट्स, सॉरी ऐसे पढ़ेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा को ले लिया, उसके बाद उसका सम कर दिया, तो प्रोडक्ट को ले लिया फिर सम कर दिया, तो क्या पढ़ेंगे इसको, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, सी बाई डी, ठीक है। फिर लास्ट में क्या आया, अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, प्रोडक्ट है सिंपल, तो अल्फा बीटा गामा बराबर मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर माइनस डी बाई ए। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था, ठीक है। तो इस वीडियो के जरिए मैं ये समझाना चाहता था कि कैसे जो रूट्स के रिलेशन है, ठीक है, जो हमको याद करने पड़ते हैं वो हमको दिखाई देने लगे, ठीक है ना। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए कोई दिक्कत हो तो, और हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, क्लास टेंथ का स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी डाउट होगा हम लोग वहाँ पर आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है।
थैंक यू।